हेलो दोस्तों, आरसीएफ में आपका स्वागत है। मैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज 5 और 6 मई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स पोस्टपोन हो गए हैं, तो ये अब कब होंगे? ये होंगे आपके 2023 में, 2023 में अब ये होंगे, अब ये पोस्टपोन हो गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, लीकर पर स्पेशल कोरोना फी लगाई गई है, तो कौन से स्टेट ने लगाया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाया है क्या लीकर पर स्पेशल कोरोना फी? तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च बाय कौन किया है? रशिया ने किया हुआ, अंटार्कटिका में लॉन्च किया है क्या सैटेलाइट अपना, कौन है कंट्री? रशिया। चौथा क्वेश्चन है, 5 मई क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 5 मई, जो कि आज का दिन है। अगला क्वेश्चन है, आयुष कवच एक ऐप है, ये लॉन्च हुआ है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट है, ये रिलीज कौन करता है? यूनिसेफ, यूनिसेफ द्वारा ये रिलीज हुई है, जिसका नाम है लॉस्ट एट होम। अगला क्वेश्चन है, निगाह स्कीम लॉन्च हुई है, कौन लॉन्च किया है इसको? इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाना नानी अभियान ये लॉन्च किया है किसने? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, पोर्टल गरुड़ ये लॉन्च किया है किसने? DGCA ने, DGCA जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये आता किसमें है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आता है। तो पोर्टल गरुड़ लॉन्च बाय DGCA इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऐसे ही करेंट अफेयर्स के लिए आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।